काम में लगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अर्थराइटिस पे चलते हैं। अर्थराइटिस दो तरह का, रूमेटॉइड और ऑस्टियो। दोनों तरह की अर्थराइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, चूना, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल करिए। दूसरी मेडिसिन भी पहले बता दिया है लेकिन रिपीट कर रहा हूं, मेथी का दाना बेस्ट मेडिसिन अर्थराइटिस के लिए, दोनों ही अर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड है तो, ऑस्टियो है तो। लेने का तरीका बता चुका हूं, एक छोटा चम्मच मेथी का दाना, एक गिलास गर्म पानी में रात को डालना, सवेरे उठ के पानी सिप सिप पीना, दाना चबा के, तो अर्थराइटिस के। और एक एक्स्ट्रा मेडिसिन अब मैं बताने जा रहा हूं अर्थराइटिस के लिए, ऐसे अर्थराइटिक पेशेंट जो टोटली बेड रिडन हो गए, 40 साल से उनको तकलीफ है, कोई बोलेगा 30 साल से तकलीफ है, किसी को 20 साल से तकलीफ है, और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो दो कदम भी ना चल सके, हाथ भी नहीं हिला सके, इतना दर्द उनको होता है, तो लेटे रहते हैं बेड पे, करवट भी नहीं बदल सकते। उस कंडीशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है, 20 साल, 25 साल, 15 साल, उनके लिए एक स्पेशल मेडिसिन है जो उसी के लिए काम आती है। वो एक पेड़ से बनती है, एक पेड़ होता है उसको हम कहते हैं हार सिंगार, पारिजात, संस्कृत में उसको पारिजात कहते हैं, हिंदी में हार सिंगार। उसमें सफेद रंग के फूल आते हैं और नारंगी रंग की डंडी, सफेद रंग का फूल छोटा होता है, नारंगी डंडी होती है, फूल में बहुत तेज खुशबू आती है, रात को ही फूल खिलते हैं, सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं, वो है परिजन, वो है हार सिंगार, है जी। रात की रानी अलग है, हार सिंगार अलग है, पारिजात। कुछ ऐसे हो सकते हैं 2-4%, लेकिन ज्यादा गिर जाते हैं। और ध्यान ये रखिए कि रात को ही फूल खिलते हैं, खुशबू बहुत तेज होती है, दूर तक आती है, डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है, स्टेम पार्ट उसका ऑरेंज होता है और फूल जो है सफेद होता है। ये पेड़ है। अब चावल में क्यों डालते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है। आप इसके पत्ते लीजिए, ये पेड़ के पत्ते, 6-7 पत्ते लेना है एक बार में, और उसको पीसना है, पत्ते को पत्थर पे पीस लीजिए, थोड़ा पानी डाल के, पीस गया तो एक गिलास पानी में वो मिला के, पीसा हुआ चटनी मिला के उसको बॉईल करना है पानी को, और इतना बॉईल करना है कि पानी आधा हो जाए, काढ़ा बन गया। अब ये जो काढ़ा बन गया है इसको ठंडा करके फिर पीना, और ये सवेरे ही पीना है, तो इसलिए रात को बना के रख दीजिए, सुबह उठकर इसको खाली पेट पी लीजिए और पिला दीजिए। जिनको भी पुराना जोड़ों का दर्द है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15-25 साल हो गया, बहुत तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते, ये उन सब के लिए अमृत की तरह से काम करता है। हाँ वही है, 3 महीने लगातार दे दो, फिर ब्रेक कर देना, फिर और 3 महीने दे देना। मैंने इसमें देखा है कि ज्यादातर केस 1-1.5 महीने में ही ठीक हो जाते हैं, 3 महीने तक तो बहुत रेयर केस हैं जिनको लेना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।